गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय सेल्फ जनसारी किशोर फ्रॉम नवकार इंस्टीट्यूट। टुडे आई विल टीच इन स्टैंडर्ड 8 द मेन बुक हनीड्यू, सेकंड नंबर चैप्टर, चैप्टर नंबर सेकंड। द नेम ऑफ द चैप्टर द सुनामी। In last video, I have completed first paragraph in page number 26. Page number 26 पर जो first paragraph है, swept away तक I have completed. Now let's go ahead. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents. तो एक 13-year-old यानी 13 साल की एक लड़की जिसका नाम था मेघना, वो भी ये सुनामी में क्या हो गई, स्वेप्ट अवे यानी पानी के साथ वो भी बह गई। अकेले नहीं, अलोंग विथ हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के साथ एंड 27 अदर पीपल। ओके, उसके पेरेंट्स और साथ साथ में दूसरे 77, कितने लोग, 77 पीपल के साथ ये भी क्या हो गए, पानी के साथ बह गए थे। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, 2 दिन तक ये जो मेघना थी वो पानी में क्या करती रही, फ्लोटिंग यानी तैरती रही। 2 दिन तक वो पानी में तैरती रही, कैसे, होल्डिंग ऑन द वुडन डोर। उसने एक वुडन का डोर उसके हाथ में आ गया था तो उसको पकड़ कर वो 2 दिन तक पानी में फ्लोटिंग तैरती रही। 11 टाइम्स सी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवर हेड, उसने ये जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स थे के जो ओवर यानी ऊपर की तरफ क्या कर रहे थे, फ्लाई कर रहे थे। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सर्चिंग इफ एनी बडी विक्टिम्स इन द सी, सी में कोई विक्टिम्स से कोई बच गया है उसको ढूंढ रही थी। तो ये रिलीफ हेलीकॉप्टर को मेघना ने 11 टाइम देखा लेकिन वो चिल्लाती तो शायद उनको सुनाई नहीं देता था, या फिर ये हेलीकॉप्टर वाले को ये मेघना दिखाई नहीं दी कि जिसकी वजह से वो उसको बचा पाए नहीं। ओके, बट दे डिड नॉट सी हर। ओके, यानी इन शॉर्ट बता दिया कि ये जो हेलीकॉप्टर वाले थे उन्होंने ये मेघना को जैसे देखा ही नहीं। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय वेव, लेकिन ये जो मेघना थी ये वेव्स के थ्रू शोर यानी सी शोर पर आ गई, ओके, बीच पर आ गई। वो वेव्स जैसे आगे बढ़ते जाते और लास्ट में कहाँ जाते, सी शोर पर आ जाते। तो इस तरह से ये मेघना भी वेव की वजह से वो सी शोर पर पहुंच गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन डेज, ओके, और वॉज फाउंड उसको कौन मिला, एक डेज यानी डेज का मीनिंग दिया यहाँ पर कोई, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ये सी शोर पर देखा कि सी शोर इन डेज, तो ये डेज नाम की जगह है। ओके, डेज नाम की जगह है, उसके सीसोर पर उनके किसी ने उसको देखा। ओके, जब वो लोग चल रहे थे तभी उसने देखा कि भाई कोई लड़की यहाँ पर गिरी थी, यानी वो जो जगह पहुँची थी उसका नाम क्या था, डेज। ओके, वो जो सीसोर पर पहुँची थी उसका नाम था डेज। तो डेज सीसोर पर वो पहुँची थी और वहाँ पर वो पड़ी थी, तब किसी कोई लोग वहाँ पर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई लड़की पड़ी है। ओके, यानी इन शॉर्ट ये जो मेघना थी वो बच गई, सी वॉज वेरी लकी। ओके, तो वो 2 दिन तक पानी में फ्लोट करती रही, उसने 11 टाइम रिलीफ हेलीकॉप्टर को उसके ऊपर से जाते हुए देखा लेकिन शायद उन्होंने उसको देखा नहीं। और ये उसने एक वुडन डोर था जिसको उसने पकड़ के रखा था जिसकी वजह से वो तैरती तैरती सीसोर जो डेज में सीसोर है वहाँ पर वो पहुँच गई और किसी ने उसको क्या किया, हेल्प कर दी।
अभी दूसरा एक इंसिडेंट दिया है अलमास जावेद, वो 10 ईयर ओल्ड। ये जो अलमास जावेद नाम का एक लड़का है जो वो 10 साल का है, ओके, सी वॉज स्टडिंग ऑफ कार्मेल कन्वर्ट इन पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर ये अलमास जावेद इज अ लेडी, क्योंकि सी दिया है कि वो स्टूडेंट थी कार्मेल कन्वर्ट, ओके, कहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर, वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। तो ये कहाँ रहती थी, पोर्ट ब्लेयर में रहती थी, जहाँ पर उसके फादर का क्या था, पेट्रोल पंप था, यानी उसके फादर पेट्रोल पंप के मालिक थे। हर मदर रहीलास होम वॉज इन नैन कौरी आइलैंड। उसकी जो मदर थी रहीला, उनका घर कहाँ था, नॉन कौरी आइलैंड, ओके, तो उसकी मदर का जो घर था नॉन कौरी आइलैंड पर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। अभी उनकी जो फैमिली थी वो क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए कहाँ गई थी, नॉन कौरी आइलैंड, जहाँ पर उसकी मदर का क्या था, घर था, तो वो लोग वहाँ पर गए थे। When the tremors came early in the morning, जब ये tremors यानी जो कापना, यानी जो ये vibration, जब ये vibration हुआ early morning, the family was sleeping, तो उनकी family क्या कर रही थी, सो रही थी। किसकी बात है, ये अलमास, ओके, अलमास फादर सो द सी वाटर रिसीड। अलमास के फादर ने देखा कि जो सी वाटर है वो रिसीड आगे बढ़ रहा है, ओके, ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ अ ग्रेट फोर्स। तो उसको लगा कि रियल में ये जो पानी है वो बहुत ही फोर्स से आएगा और ये सब जो जगह है उसको वॉश करके, यानी स्वेप्ट अवे, सबको अपने साथ लेकर चला जाएगा। ही वॉक एवरी वन अप, उसने हर एक घर में जितने भी मेंबर थे सबको क्या किया, उठाया, एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, और ट्राई किया कि सबको कोई सेफर प्लेस यानी कोई सेफ जगह पर ले जाए। एज दे रन, जैसे वो भागे, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। जैसे वो भाग रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, कोई सेफ जगह पर जाना चाहते थे, तभी उनके जो ग्रैंडफादर थे वो उनके हेड पर, सिर पर कोई चीज़ लगी, कोई चीज़ हीट हुई, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, फेल डाउन, नीचे गिर गए। हर फादर रस्ड टू हेल्प हिम, उसके फादर, ओके, यानी अलमास के जो फादर थे वो भागते हुए वहाँ पर गए उनको हेल्प करने के लिए। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, और जैसे वो हेल्प करने गए तो एक बड़ी जायंट यानी बहुत ही बड़ी वेव्स आई, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और वो इतनी बड़ी वेव्स आई कि दोनों यानी जो अलमास के ग्रैंडफादर और उसके फादर, दोनों को वहाँ से ले गए, यानी दोनों पानी के साथ बह गए, ओके, दोनों पानी के साथ बह गए। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री। अलमास की जो मदर थी और जो आंट थी, वो दोनों ने क्या किया था, जो कोकोनट का ट्री था उसके जो लीव्स होते, तो ये लीव्स को क्लिंगिंग यानी पकड़ कर, ओके, स्टूड क्लिंगिंग ऑन द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, तो ये कोकोनट की जो लीव्स होते हैं उसको पकड़ कर ये अलमास की मदर और उसकी जो आंट थी वो वहाँ पर खड़ी थी। कॉलिंग आउट टू हर, ओके, कॉलिंग आउट टू हर
waves uprooted the tree and they too were washed away. Okay, जब उसको चिल्ला रही calling out to her, ये जो बुला रहा था उसको, तब एक दूसरी waves आई और ये जो tree था coconut tree उसको root के साथ जो रूट थी जमीन में वो भी एकदम बाहर निकल गई और दोनों स्वेप्ट अवे. दैट मीन्स अलमास के ग्रैंडफादर, फादर, मदर एंड आंट्स, ये सब लोग पानी में क्या हो गए, बह गए. अलमास सो अ लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग. अलमास ने देखा कि एक बड़ा वुड, लॉग ऑफ वुड यानी लकड़ा, वो फ्लोट कर रहा था पानी के ऊपर. सी क्लाइम्ड ऑन टू इट. अलमास थी वो डायरेक्ट उसके ऊपर, यानी जो लकड़ा था लोग का, वुड का, वो उसके ऊपर चली गई. देन सी फेंटेड. उसके बाद वो क्या हो गई, फेंटेड. फेंटेड का मीनिंग होता है बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना. ओके, वेन सी वॉक अप, जब वो उठी यानी जब उसको होश आया, सी वॉज इन हॉस्पिटल इन कमोर्टा. जैसे उसको होश आया तो उसने देखा कि वो कहाँ थी, ये कमोर्टा नाम की जगह है, वहाँ की हॉस्पिटल में वो एडमिट थी. फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर. फिर वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर, जो उसके फादर का जहाँ घर था, जहाँ पर उनका पेट्रोल पंप था, वो वहाँ पर चली गए. यानी वहाँ से लोग को वहाँ पर ले जा गया. यानी इन शॉर्ट ये लोग अपने जो मदर का हाउस था, जिसका जो पोर्ट का नाम दिया है, ठीक है, नॉन कौरी आइलैंड, तो वहाँ पर ये क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए आए थे. लेकिन उन्होंने, ये अलमास ने अपने फादर, मदर, ग्रैंडफादर, आंट्स, ये सबको वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, घुमा दिया. वो खुद भी बच गई, क्योंकि वो एक लकड़े का जो एक लॉग था जो वो फ्लोट कर रहा था, उसके ऊपर वो बैठ गई और फिर वहाँ पर अनकॉन्शियस हो गई. कि जो लकड़े का पीस था वो फ्लोट होते 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 कोई जगह, यानी सी शोर पर चला गया होगा. किसी ने उसको देखा और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई. ओके, तो इतने सारे लोग में वो अकेली वो बच गई. क्यों? क्योंकि सी वॉज ब्रेव. इतना होने के बाद भी उसकी जो, उसका माइंड था, उसने देखा कि लकड़े का जो पीस है वो फ्लोट हो रहा है, तो हिम्मत करके वो लकड़े के पीस पर वो बैठ गई. अगर वो नहीं बैठती तो वहाँ पर सब लोग जो भी थे वो सब हो क्या हो गए, मर गए थे. और ये इतना साहस करके, इतना ब्रेवरी दिखा कर, करेज लगकर वो उसमें बैठ गई लकड़े के पीस पर, जिसकी वजह से वो क्या हो गई, बच गई. ओके, तो उसको जब वो उठी तो उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल में थी और वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर पर ले जा गया. भी आगे दिया है, द लिटल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसीडेंट विथ एनी वन. ये जो लड़की थी इतना डर गई थी कि वो किसी के साथ भी ये जो इंसीडेंट हुआ था वो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहती थी, किसी को बता नहीं सकती थी. सी स्टिल ट्रॉमेस्टाइज्ड. ट्रॉमेस्टाइज्ड का मीनिंग है ग्रेट शॉक. वो अभी भी शॉक में थी, वो इतना शॉक में थी कि वो किसी के साथ बातचीत नहीं करती थी. और उसके साथ उसने जो इंसिडेंट देखा, ओके, वो इंसिडेंट देखने के बाद वो किसी के साथ वो इंसिडेंट को शेयर करना नहीं चाहती थी. ओके, तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट स्टोरी है वो कंप्लीट होती है. तो ये जो स्टोरी है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम देख लेते हैं फटाफट रिविज़न. कि एक इग्निशियस नाम का एक मैनेजर है जो
उसकी वाइफ ने उसको अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उठाया और उसने कहा कि भाई मुझे अर्थक्वेक फील हो रहा है। इग्निशियस को भी लगा, उसने जो अपना टेलीविज़न था वो टेबल से उठाकर नीचे रख दिया, जिसकी वजह से वो गिरे और टूट नहीं जाए। उसके बाद उसने सब फैमिली मेम्बर को उठाया और वो भागते हुए बाहर निकल गए। ओके, जब ये ट्रेमर एकदम शांत हुआ तब उसने देखा कि जो सी थी वो एकदम राइज हो रही थी, सब जगह भागम भाग लोग कर रहे थे। ओके, उसके बाद उसके जो बच्चे थे दो, एक ग्रैंडफादर के साथ था और एक ब्रदर इन लॉ। ओके, यहाँ पर फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, तो एक फादर इन लॉ के साथ था इग्निशंस के और दूसरा ब्रदर इन लॉ के पास था, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, वो ये पानी के साथ बह गए। ओके, और उसके बाद ये जो इग्निशंस था उसकी वाइफ भी पानी में बह गई, यानी उसने अपने बच्चों को, वाइफ को, सबको ये क्या कर दिया, घुमा दिया। उसके बाद सेकंड जो स्टोरी थी ये संजीव के बारे में। संजीव वो भी एक कैटचल नाम का आइलैंड है जो निकोबार में है, वहाँ पर वो सर्विस कर रहा था। तो ये जब सुनामी आया तब उसने अपने आप को बचा लिया, अपनी वाइफ को बचा लिया और एक बेबी डॉटर, उसकी डॉटर को भी उसने बचा दिया ये वेव्स से। लेकिन जब उसने आवाज़ सुनी कि उसकी जो वाइफ थी वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, वो कुक का जो गेस्ट हाउस था वहाँ से आवाज़ आ रहा था, तो वो संजीव फिर से पानी में गिरा उसकी वाइफ को बचाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी वाइफ और ये संजीव दोनों पानी में बह गए, वापस आए नहीं। उसके बाद एक मेघना नाम की जो 13 ईयर की लड़की है उसके बारे में बात है कि वो अपने पेरेंट्स और दूसरे 77 दूसरे अदर पीपल के साथ वो पानी में स्वेप्ट हो गई थी। लेकिन उसको एक वुडन डोर, वुडन का दरवाज़ा मिल गया तो उसने पकड़ लिया और वो 2 दिन तक वो पानी में वो फ्लोटिंग करती रही। उसने 11 टाइम रिलीफ हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर देखा लेकिन उन्होंने इसको देखा नहीं और वो तैरती तैरती वेव के साथ वो शोर पर आ गई और उसने इस तरह से उसकी जान क्या हो गई, बच गई। उसके बाद बात की एक अलमास जावेद नाम की लड़की थी जो 10 साल की थी, वो कार्मेल कॉन्वेंट जो पोर्ट ब्लेयर में उसके फादर के पेट्रोल पंप था वहाँ पर वो पढ़ती थी। अभी उसकी जो मदर था राहिला, उसका घर नॉन कॉर्वे आइलैंड पर था। वो ये सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए थे। ये जो ट्रेमर हुआ था तब ये उस टाइम पर ये सब लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे। अलमास के फादर की आंख खुल गई, उसने देखा कि जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है, ये समझ गया कि ये बहुत फोर्सफुली पानी आएगा और सबको क्या करेगा, बहा के ले जाएगा। तो उसने सबको उठाया और सबको सेफर प्लेस पर जाने का कह दिया। सब लोग भागे, तभी ये जो अलमास के ग्रैंडफादर थे वो किसी चीज़ से टकरा गए और वो नीचे गिर गए। जब उसके फादर उसके ग्रैंडफादर को बचाने के लिए बढ़े तो एक बहुत ही जायंट वेव्स आई और दोनों को बहाकर ले गई। उसके बाद जो अलमास की मदर थी वो अपने आंट्स के साथ जो कोकोनट का ट्री था उसकी जो लीव्स है उसको पकड़ कर खड़ी थी, तभी वहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ी वेव्स आई और ये जो ट्री था उसका जो रूट है, रूट के साथ ट्री को भी उखाड़ लिया और ये जो उसकी अलमास की मदर जो आंट्स थी ये सब लोग
पानी में बह गए। तो अल्मास जो था उसको एक लकड़े का पीस मिल गया बड़ा, वो उसके ऊपर चला गया और फ्लोट होने लगा। ओके, थोड़े टाइम के बाद वो अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन वो उसके ऊपर था तो वो जो पानी के साथ बहते बहते वो आगे आ गया। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वो कोरमोटा नाम की कोई, कोरमोटा जगह का नाम है, वहाँ पर कोई हॉस्पिटल में वो एडमिट था। और उसके बाद उसको पोर्ट ब्लेयर में ले जाया गया। तो ये जो लड़की थी वो ये इंसिडेंट देखकर इतनी शौक हो गई थी कि उसने ये इंसिडेंट किसी को बताया नहीं, वो किसी से बात नहीं करती थी और वो ऐसे ही बैठी रहती थी। इन शॉर्ट ये जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ उसमें ये जो अल्मास थी उसने अपने मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, दूसरे जो आंट्स एंड मम्मी की बहनें, ये सबको उसने क्या कर दिया, गवा दिया। तो ये इंसिडेंट उसकी लाइफ का जैसे बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था। ये इंसिडेंट के बाद ये, यानी ये जो इंसिडेंट जो हुआ वो किसी के सामने वो बोल भी नहीं पाती थी। ओके, वो इतना ग्रेट शॉक में डूब गई थी, वो डिस्ट्रेस हो गई थी। ओके, तो अभी जो सेकंड स्टोरी है हम स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड स्टोरी है वो तिली स्मिथ की है। ये तिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, ये जो तिली स्मिथ थी वो एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स वैन द सुनामी स्टक फुकेट बीच इन थाईलैंड। तो ये जो लड़की थी तिली स्मिथ, उसने बहुत से लोगों को बचा लिया। ओके, कि जो ओनली ये लड़की ने, जो तिली स्मिथ नाम की लड़की थी, वो ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती थी। तो जब ये सुनामी हुई, ओके, ये कौन सी सुनामी की बात है, जो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी हुई थी थाईलैंड में, उस टाइम की बात है। तो थाईलैंड का जो फुकेट बीच है वहाँ पर ये सुनामी हुई थी, तो वहाँ पर उसने बहुत से लोगों को क्या किया, बचा लिया। दो सी वॉज वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, तो उसने जो सबको बचाया जिसकी वजह से उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। हर पेरेंट्स हैव नो अलाउड हर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन। ओके, उसे बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने अलो नहीं किया। क्या अलो नहीं किया, कि वो टेलीविज़न पर इंटरव्यू दे। ओके, यानी टेलीविज़न पर इंटरव्यू देने के लिए उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। क्यों, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि उनकी लड़की इसकी वजह से बहुत ही नाम ना कमाए, हीरोइन जैसी लग जाए। क्यों, क्योंकि आज टीवी में आएगा तो सब लोग उसको जानने लगेंगे और उसकी जो फेम है वो बढ़ जाएगी। लेकिन उसके पेरेंट्स ये चाहते नहीं थे, तो जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स ने ये इंटरव्यू देने के लिए मना कर दिया। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीज़न, तो आप क्या सोचते हो उनके पेरेंट्स ने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, तो यहाँ पर अभी एक स्टोरी दी है थाईलैंड की, ये जो तिली स्मिथ है उसके बारे में है। ओके, तो द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, ये जो स्मिथ फैमिली थी वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आई हुई थी। वेयर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड, ये लोग भी क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए ये जो साउथर्न थाईलैंड के जो बीच था वहाँ पर रिसोर्ट्स यानी ऐसा प्लेस जहाँ पर लोग क्या करते हैं, हॉलीडे मनाने के लिए आते हैं। तो ये लोग भी वहाँ पर ये छुट्टियाँ एंजॉय और क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। तिली स्मिथ वॉज 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, ये जो तिली स्मिथ थी वो ओनली 10 साल की थी और एक स्कूल गर्ल थी, यानी स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड, उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वेयर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उसके जो पेरेंट्स थे
ओके, उसका नाम दिया है कि पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। फादर का नाम कॉलिन स्मिथ और जो मम्मी थी उसका नाम क्या था, पेनी। ओके, तो यहाँ पर बात की है ये जो टिली स्मिथ के, वो लोग साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आए थे। ये लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए आए थे और थाईलैंड जो साउथर्न थाईलैंड है वहाँ का जो बीच था उनकी रिसोर्ट यानी ऐसी जगह जहाँ पर लोग क्या करते हैं, हॉलीडे एंजॉय करते हैं, तो वो रिसोर्ट में क्या होते रुके थे। अब ये टिली स्मिथ की बात की है कि टिली स्मिथ ओनली 10 ईयर थी, 10 ईयर ओल्ड थी, यानी बहुत ही ओल्ड नहीं थी, ओनली 10 साल की थी, स्कूल गर्ल, वो स्कूल में पढ़ती थी। उसकी जो सिस्टर है वो 7 साल की थी, उसका नाम दिया नहीं है ओके, लेकिन उसकी सिस्टर की बात की है कि वो 10 साल की थी और उसकी सिस्टर 7 साल की थी। अभी उसके पेरेंट्स के बारे में बात की है कि उसके जो पेरेंट्स थे, मम्मी का नाम पेनी और पापा का नाम कॉलिन स्मिथ था। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये जो इंसिडेंट है वो कब का है, 26 दिसंबर 2004 का है। डेडली सुनामी वेव्स वेयर ऑलरेडी ऑन देयर वे। डेडली सुनामी वेव्स यानी बहुत ही नुकसान करे ऐसी जो वेव्स थी वो ऑलरेडी वहाँ पर आ गई थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय द मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में ही उन लोगों ने मैसिव अर्थक्वेक, मैसिव का मीनिंग होता है बहुत ही बड़ा, यानी रिचर स्केल में उसका जो अंक होता है जो वो बहुत ही बड़ा होता है, तो बहुत ही बड़ा रिचर स्केल में मापा गया ऐसा अर्थक्वेक था। और कहाँ पर था, नॉर्थन सुमात्रा, अर्लियर दैट मॉर्निंग यानी जो मॉर्निंग की बात है उससे आगे के दिन की बात है कि भाई यहाँ पर उन लोगों ने आगे के दिन बहुत ही बड़ा ओके अर्थक्वेक उन्होंने सबने क्या किया था, फेस किया था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कैप्ट कमिंग इन, जो पानी था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था और पानी आगे आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर, पेनी स्मिथ को याद आ गया, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, ये जो बीच था वो स्मॉलर एंड स्मॉलर छोटा होता जाता था। क्यों, पानी जैसे रेज होता है, पानी आगे बढ़ता है तो जहाँ पर लैंड होती है वो लैंड धीरे धीरे क्या होती है, पानी के अंदर चली जाती है, और ये जो आइलैंड था वो धीरे धीरे छोटा आइलैंड होता जाता था। तो उसकी मदद ने देखा कि ये जो पानी बढ़ रहा है जिसकी वजह से ये जो बीच था वो धीरे धीरे छोटा और छोटा, इस तरह से वो छोटा हो रहा है। आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, वो जानती नहीं थी कि क्या हो रहा है, यानी उसको पता नहीं चला था उस टाइम पर कि ये सुनामी की वजह से ये हो रहा है। उसकी मदर को ये बात कुछ पता नहीं थी ओके। तो यहाँ पर बात की है, ये जो इंसिडेंट है 26 दिसंबर 2004 का है, तो वहाँ आगे के दिन ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक हुआ था और पानी क्या कर रहा था, बढ़ रहा था, स्वेलिंग यानी आगे बढ़ना ओके। पानी की बड़ी बड़ी वेव्स आ रही थी, वो धीरे आगे आ रही थी। स्मिथ, जो पेनी स्मिथ थी, उसको याद आया कि ये जो बीच है वो धीरे धीरे कैसा हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो बीच छोटा नहीं हो रहा था लेकिन पानी की वेव्स वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जिसकी वजह से जो लैंड थी वो धीरे धीरे पानी के अंदर जा रही थी, इसकी वजह से ये जो आइलैंड था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था। ये उसने रियलाइज़ किया, लेकिन वो क्या चीज़ हो रही है, क्या हो रहा है, उसको उसके बारे में कुछ पता था नहीं। शायद उसको सुनामी कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके बारे में उसको कुछ भी नॉलेज था नहीं। इसीलिए यहाँ पर बताया कि आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग, उसको पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक मैंने ये जो लेसन आपको एक्सप्लेन किया, आई होप आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। ये लेक्चर के बाद मैं आपको एक PDF दूंगा जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, वो आपको क्वेश्चन आंसर लिख देना है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।